हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है वन पॉइंट लेसन, जो है कम्युनिकेशन टूल जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। हमारे लाइफ में सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारा जॉब प्रोफाइल क्या है, हम कौन सा जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, इसके ऊपर अपनी सक्सेस डिपेंड नहीं, तो फिर किस पर है? एज पर रिसर्च, ओनली 5% ऑफ आवर एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिटरमाइंड आवर सक्सेस। 15% डिपेंड करता है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर, हमने क्या एक्सपीरियंस लिया है और हम लोग क्या हैं, कैसे इस तरह का यूटिलाइज और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और 80% ऑफ आवर सक्सेस इन लाइफ इज टोटली डिटरमाइंड ऑन द कम्युनिकेशन स्किल विच वी हैव। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो इन सोसाइटी एंड इन फैमिली। दोस्तों, थ्री इडियट्स मूवी आप सभी लोगों ने देखी होगी। आज का सेशन वन पॉइंट लेसन का कंटिन्यू करने से पहले हम आपको थ्री इडियट्स की मूवी का एक छोटा सा क्लिप शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस मूवी में से हम लोग क्या लेना चाहिए और इससे क्या समझ में आता है। चलो देखते हैं इस वीडियो को। आदरणीय सभापति महोदया, अतिथि विशेष शिक्षण मंत्री श्री आर डी त्रिपति जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यार सभापति, आज अगर ऐसी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है तो उसका श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, श्री विरु सहस्त्र बुद्धे। गिव अ हैंड फॉर सर। बोल बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। ही इज अ ग्रेट गाय, रियली यू आर। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर इस कॉलेज में बलात्कार पे बलात्कार किए। इसका मतलब है चमत्कार पे चमत्कार किया है। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे, सीखे। आज हम सब छात्र यहाँ है, कल देश विदेश फैल जाएंगे। वादा है अब से जिस देश में होंगे वहां बलात्कार करेंगे। आईसीई का नाम रोशन करेंगे। दिखा देंगे सबको जो बलात्कार करने की क्षमता यहाँ के छात्रों में है वो संसार के किसी छात्र में नहीं। नो अदर छात्र, नो अदर छात्र। आदरणीय मंत्री जी नमस्कार, आपने इस संस्थान को वो चीज दी जिसके हमें सख्त जरूरत थी। धन धन स्तन। कौन नहीं स्तन माने? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये? स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अश्लील है ये लोना। आपने अपना स्तन इस बलात्कारी पुरुष के हाथ में दिया है। अब देखिए ये कैसा इसका उपयोग करता है। सासु बदे, इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, कैसे दिखने के लिए बनाया था तुमने मुझे यहाँ पे? तमीज कम्युनिकेट, तमीज कहीं के। स्वर्ण अवसर पर एक श्लोक याद आ रहे हैं। सुन सुन, अब अपने पादने की ताकत संस्कृत में समझाएगा। उत्तमम दद्दात पादम, पादम मध्यम पादम तुचुक तुचुक,
कनिष्ठम थुड़थुड़ी अपादम सुरसुरी प्राण घटक मेरा संजय रट्टा मारेगा तो यही होगा देख 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 ना रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा बलात्कार अरे अरे यार इतना समझाया समझता नहीं तो दोस्तों हमने देखा कि कोई भी चीज बिना समझे अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट में हमें चमत्कार ही मिलेगा तो इसलिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉलेज पर्पस अवेयरनेस पर्पस एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पस दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में हम अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं जैसे कि मॉर्निंग मीटिंग मेल के थ्रू टेलीफोन द्वारा एसएमएस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में फेस टू फेस टॉक में ऐसा अलग अलग तरीके पे हम लोग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो भी एक कम्युनिकेट करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है आपका पेन एरिया क्या है तो अगर वो हम लोग सही तरह से डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं DRF, डिफेक्ट रिपोर्टिंग फॉर्म जो ताकि लोगों को समझ में आए कि कौन से डिफेक्ट आए इसी तरह से दूसरा एक फॉर्म होता है जिसे कहते हैं डिफेक्ट कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग फॉर्म थर्ड इज इंजीनियरिंग चेंज नोट जो भी प्रोसेस में चेंज होती है इंजीनियरिंग पार्ट में चेंजेस होते हैं प्रोसेस में चेंज होते हैं इस चेंजेस को हम लोग कम्युनिकेट ECN थ्रू करते हैं ECN फॉर्मेट दूसरा कुछ नहीं बल्कि एक कम्युनिकेशन मेथड है ताकि हम लोग इंजीनियरिंग चेंज लोगों तक पहुंच सके लोगों दोस्तों TPM में 3 तरीके फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसके कहते हैं की फैक्टर अगर ये की फैक्टर को हम लोग रिस्पेक्ट करें और उसके सही तरीके से अगर इसको इंप्लीमेंट करें तो हमारे रिजल्ट में इफेक्टिवनेस जरूर आएगा तो देखते हो 3 फैक्टर कौन से है 3 फैक्टर में से पहला फैक्टर है सर्कल एक्टिविटीज जिसके अंदर इंक्लूडेड है डेली वर्क मैनेजमेंट जो हम लोग हमारे सर्कल में हमारे एरिया में हमारे सेल में करते हैं दूसरा की फैक्टर है भाई सर्कल मीटिंग्स हम लोग जो भी सर्कल मीटिंग करते हैं एड्रेस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन दिस केस आप लोग सर्कल मीटिंग के अंदर इफेक्टिवनेस चाहिए रिजल्ट चाहिए जो चीज चाहिए वो टाइम पीरियड में सही आदमी को सही तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है तो इस तरह से सर्कल मीटिंग एक इफेक्टिव की पैरामीटर है TPM का और तीसरा और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है OPL जिसे कहते हैं 1 point lesson और आज का सेशन जो हमारा है OPL के ऊपर ही तो देखते हैं OPL के बारे में अगले स्लाइड में दोस्तों OPL यानी 1 point lesson ये क्या है एक सिंप्लीफाइड अवेयरनेस टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए शॉप फ्लोर में इंप्लीमेंट करता है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है हर एक OPL के अंदर सिंगल एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बोला जाता है लिखा जाता है और डिस्प्ले किया जाता है इन शॉर्ट हर एक कंपनी में अलग अलग मेथड्स होते हैं किसी जगह पे बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं किसी किसी जगह पे सर्कल फाइल में रिपोर्ट होता है कभी कभी मॉर्निंग मीटिंग में या सर्कल मीटिंग में बात की जाती है OPL बनाते समय कुछ गाइडलाइंस है कुछ थंब रूल है उसमें से एक थंब रूल है आपका OPL के अंदर 75% to 80% डायग्राम होनी चाहिए डायग्राम डजंट मीन कि आपने कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए आपने हाथ से लिखा हुआ स्केच भी चलेगा और 20% to 25% थ्योरी होनी चाहिए मैक्सिमम OPL आपकी विजुअल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझने में आसानी गिरे इसलिए कहते हैं OPL इज अ सिंप्लीफाइड अवेयरनेस टूल ये OPL कोई भी बना सकता है शॉप फ्लोर में जो कोई भी काम कर रहा है वो ऑपरेटर हो या एसोसिएट हो टीम लीडर हो सुपरवाइजर है मैनेजर हो जो कोई अपने शॉप फ्लोर पे काम करता है वो लोग OPL बना सकते हैं OPL can be also used for the contract laborers. Fourth important parameter है OPL कौन से language में लिखनी चाहिए OPL लिखने के लिए
नो लैंग्वेज बैरियर। प्रीफरली थम रूल कहता है कि जिस एरिया में, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, उसी लोकल लैंग्वेज में आपकी ओपीएल होनी चाहिए। दोस्तों, ओपीएल के कहा हमने यूज करने चाहिए, वेन टू यूज ओपीएल, अभी हम लोग देखते हैं। जब कभी भी हमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेट करना है, समझना है, उस टाइम पे हम लोग ओपीएल का यूज करते हैं। इसके अलावा चलो ओपीएल के क्या बेनिफिट है, ओपीएल इंप्लीमेंट करने से हमें क्या अचीव होगा। तो दोस्तों, ओपीएल इंप्लीमेंट करने के बाद या ओपीएल सिस्टम अगर हम लोग एडहर करेंगे तो उसके वजह से इंप्रूवमेंट अवेयरनेस जो होती है वो बढ़ेगी, कम्युनिकेशन गैप जो अपने सर्कल में होता है वो रिड्यूस होगा। इसके अलावा ये हमारे पी क्यू सी डी एस एम के ऊपर नॉलेज बढ़ाएगी, अपने सर्कल रिलेटेड, अपने शॉप रिलेटेड। इतना ही नहीं है, ये हमें सपोर्ट ही करेगा टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। देखो दोस्तों, मैं सेंटेंस और एक बार बोलता हूं, ओपीएल विल सपोर्ट अस इन रिड्यूसिंग द ब्रेकडाउन एक्सीडेंट एंड डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज का गैप है उसको इंप्रूव करने के लिए ओपीएल बेनिफिट करता है, जिसके रिजल्ट में हमें डिफेक्ट, एक्सीडेंट, डिफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो है वो कम हो जाएंगे। दोस्तों, ओपीएल के टाइप्स होते हैं। बेसिकली ओपीएल के तीन टाइप है, उसमें से पहला टाइप है बेसिक ओपीएल। इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, वो सेफ्टी रिलेटेड होगी, प्रिकॉशंस रिलेटेड होगी, इमरजेंसी सिचुएशन के रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस के बारे में हो सकती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में हो सकती है, लेआउट के बारे में हो सकती है। तो बेसिकली ओपीएल इज नथिंग, बेसिक ओपीएल इज नथिंग बट ए सिंप्लीफाइड टूल विच कम्युनिकेट द बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज टू द पर्सन। सेकेंड ओपीएल है इंप्रूव्ड ओपीएल और इंप्रूवमेंट ओपीएल। जब कभी भी हम हमारे सर्कल में, हमारे एरिया में हम लोग इंप्रूवमेंट करते हैं, वो इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी के बारे में हो सकता है, क्वालिटी के ऊपर हो सकता है, कॉस्ट के ऊपर हो सकता है, डिलीवरी के ऊपर हो सकता है, सेफ्टी या मोरल के ऊपर हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज तो हमने इंप्रूव किए है और उसका इंफॉर्मेशन हमें हमारे टीम में देना है, तो वो केस में हम लोग इंप्रूव्ड ओपीएल यूज करते हैं। तीसरी ओपीएल है ट्रबल शूटिंग ओपीएल। जब कभी भी हमें हमारे सर्कल में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाई आती है, ट्रबल होता है या पेन एरिया आता है, उसको रिजॉल्व कैसे करें, ये अप्रोच या मेथोडोलॉजी ट्रबल शूटिंग ओपीएल में दी जाती है। अगर एग्जांपल देखो तो एयर प्रेशर अगर कम होता है तो हमने क्या करना चाहिए, ट्रबल शूटिंग ओपीएल में देंगे कि अगर एयर प्रेशर हमारे स्टैंडर्ड प्रेशर से अगर कम है तो उसके नॉब को क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ताकि प्रेशर बड़े। जब इंडिकेटर की साइज 5 बार पे आ जाए तो दैट मींस प्रेशर इज ओके, नाउ यू नो नीड टू रोटेट द नॉब। तो ऐसे एग्जांपल्स ट्रबल शूटिंग ओपीएल में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसमें से कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, नॉलेज बढ़ी है, तो लोगों को शेयर करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन। ओके, अगर आपको कुछ आइडियाज है, कुछ सुझाव है, कुछ टॉपिक्स आप हमें शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दी गई हुई मेल आईडी के ऊपर हमें प्लीज मेल करो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।